तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो किस्म के टेलीस्कोप हमने किए. पहला, व्हेन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी. जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई होता है. और दूसरा, जो जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की, उसकी वैल्यू होती है एफ नॉट प्लस एफ ई. और दूसरा फॉर्मूला, जब इमेज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई, वन प्लस एफ ई बाई डी. और जो लेंथ है उसका फॉर्मूला टेलीस्कोप का एफ नॉट प्लस एफ ई की जगह यू ई. ये याद रखना है. तो अब दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे. पहला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी इज 100. तो मैग्निफिकेशन 100 है और नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 101. तो पूरी लेंथ 101 है. लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है? एफ नॉट प्लस एफ ई, जो कि 101 है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ नॉट इज 100 टाइम्स एफ ई, यहाँ पर पुट करके एफ ई की वैल्यू आ गई. एफ ई आ गया तो एफ नॉट तो पता ही है, आंसर आ गया. तो यहाँ से एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू निकालनी है. कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100. ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी कि एफ नॉट गिवन है. व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो डी यानी कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है. द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज इज 105. अब क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का नहीं है, क्योंकि इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? एफ नॉट प्लस एफ ई की जगह एफ नॉट प्लस यू ई. एफ नॉट और यू ई का सम इसमें 105 है. तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इसके इक्वल है. अब आपको इसमें एफ नॉट तो पता है, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया? यू ई आ गया. तो यू ई की वैल्यू इसमें 5 सेंटीमीटर आ गई. फाइंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. अब आई पीस की अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो यू ई तो नेगेटिव है ही है. अब मैं आई पीस के लिए एक लेंस मानता हूं. आई पीस की यू की वैल्यू -5. आई पीस के लिए जो इमेज बनेगी वो लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन -25. तो यहाँ से लेंस का फॉर्मूला लगा के यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ई. एक बार एफ ई आ गया, एफ नॉट आपको पता है, डी आपको 25 पता है, सॉल्व करके मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी टेलीस्कोप की. तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको फॉर्मूलाज की क्लैरिटी है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक, तो फॉर्मूलाज याद करने पहले बहुत जरूरी है.